नमस्कार दोस्तों, मोदी जी पिछले 40 महीने से देश को कहते आए हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अब इस देश में उन्होंने इतनी बार दोहराया कि वो एक जुमला बन गया है। इन सब के बावजूद बार बार जो भ्रष्टाचार के घोटाले मोदी सरकार के सामने आ रहे हैं, उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। चाहे वो मोदी गेट घोटाला था, चाहे वो व्यापम घोटाला था, चाहे वो छत्तीसगढ़ का 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम घोटाला था, चाहे वो पनामा पेपर घोटाला था, चाहे वो गुजरात का जीएसपीसी स्कैम था, चाहे वो गुजरात का गिर लायन सेंचुरी लैंड अलॉटमेंट स्कैम था, चाहे वो सहारा बिड़ला पेपर्स थे, और चाहे वो स्पेक्ट्रम नॉन रिकवरी स्कैम 1.0 था, जो हमने 7 जुलाई 2016 को आपके समक्ष रखा 45,000 करोड़ की रिकवरी कैग रिपोर्ट के मुताबिक न होने का। इसी कड़ी में अब सबसे नया है स्पेक्ट्रम घोटाला 2.0, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीलामी से मिलने वाली राशि को, उस राशि की रिकवरी जो नीलामी की शर्तों के मुताबिक 10 साल में होनी चाहिए थी, उसे 10 की बजाय 16 साल में कर अकेले ब्याज की राशि जो सरकारी खजाने में आती, उससे 23,821 करोड़ रुपए का नुकसान जानबूझकर कर रही है। इसीलिए मोदी सरकार को चुनिंदा उद्योगपति मित्रों की सूट-बूट सरकार हम कहते हैं। टू पुट इट वेरी ब्रीफली, द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ स्कैम्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज द स्पेक्ट्रम स्कैम 2.0, वेयर बाय बीजेपी गवर्नमेंट इज यूनिलेटरली एंड सरप्टिशियसली डेफरिंग पेमेंट ऑफ ऑक्शन मनी ऑफ स्पेक्ट्रम टू 16 years, देयर बाय कॉजिंग ए लॉस ऑफ 23,821 करोड़ ऑफ इंटरेस्ट अलोन टू पब्लिक एक्सचेकर। एंड लेट मी गिव यू ए फ्यू फैक्ट्स एंड द रियलिटी, एंड द फैक्ट्स आर वेरी सिंपल। 8 अगस्त 2016 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2G स्पेक्ट्रम केस के अंतर्गत उन्होंने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए निविदाएं यानी टेंडर आमंत्रित किए। टेंडर की एक शर्त यह थी, और टेंडर डॉक्यूमेंट का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट मैं आपको भेज रहा हूं, कि आधा पैसा कुछ मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए और 25% कुछ मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए शुरुआत में जमा करवाना पड़ेगा, उसके 3 साल तक कोई पैसा देना नहीं, और बाकी की जो राशि है वो 10 साल की एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी सालाना किश्तों में दिया जा सकता है। तो बड़ी सीधी शर्तें थी, 50% या 25% शुरू में और बाकी का पैसा 3 साल तक कोई पैसा नहीं, और उसके 10 साल में बराबर की किश्तों में दिया जाए, यानी 13 साल में वो पैसा दिया जाना था। ये पूरी नीति सुप्रीम कोर्ट का जो 2G ऑक्शन केस है, जिसे सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2012 का निर्णय है, ये उसके ऊपर आधारित है, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया कि जो सरकारी संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है जिन पर लोगों का अधिकार है, उनको आवंटित करने के लिए आपको एक पारदर्शी प्रक्रिया और एक निष्पक्ष प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ताकि कोई नुकसान जनता का ना हो।
ये ऑक्शन 6 अक्टूबर 2016 को पूरा हो जाता है और इस ऑक्शन में 965 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की बिक्री होती है और उससे सरकार को 65,789.12 करोड़ रुपए की आय होती, यानी 65,790 आप कह सकते हैं, 90 करोड़ रुपए की, 65,790 करोड़ की आय होती। इनमें से 32,000 करोड़ निविदा की शर्तों के मुताबिक शुरू में दे दिया जाएगा, यानी सरकार को मिल गया, बाकी बचा 33,790 करोड़। ये 33,790 करोड़ मिलना है उन शर्तों के मुताबिक जो मैंने आपको बताई, यानी 3 साल तक कुछ नहीं, 10 साल में बराबर की किश्तों में। ये टेंडर मिलता है 3 कंपनियों को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो सक्सेसफुल बिडर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिलायंस जियो एंड आई हैव गिवन, दे गेट 269 मेगाहर्ट्स फॉर 13,672 करोड़। आई एम गिविंग यू ए पेपर विच विल से ऑल दिस। एयरटेल गेट्स 173.8 मेगाहर्ट्स फॉर 14,244 करोड़ एंड आइडिया गेट्स 349.20 मेगाहर्ट्स फॉर 12,798 करोड़। ऑक्शन का पैसा भी सरकार के अनुमान से काफी कम था। हम सबको मालूम है कि जब हम किसी चीज को इस प्रकार से ऑक्शन करवाएंगे तो उसे अंडरराइट करवाते हैं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो ये अनुमान लगाकर देती है कि इतना पैसा आना चाहिए। इस केस में अंडरराइटर थे भारत सरकार के IDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट दी कि 80,000 करोड़ आएगा, पर 80,000 करोड़ आया नहीं, आया 65,790 करोड़। यानी शुरू में ही 14,281 करोड़ रुपया कम आया। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट में कहा था कि कितना पैसा स्पेक्ट्रम ऑक्शन से आएगा जो चालू साल का है। उन्होंने भी कहा था कि मुझे अनुमान है कि 98,995 करोड़ रुपया आएगा, परंतु आया मात्र 65,790 करोड़, तो उसके मुताबिक भी 33,000 करोड़ कम आया। कोई बात नहीं, अब जब ये सारा मामला हो गया, स्पेक्ट्रम मिल गया इन तीनों कंपनी को, रिलायंस, एयरटेल और आइडिया को, और वो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करके अपना पैसा भी कमा रहे हैं। अभी तो कोई पैसा देना नहीं, पहली किश्त अगस्त 2019 में आएगी, तो अभी तो कोई पैसा नहीं दे रहे, अभी तो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। तो वो भारत सरकार के पास गए, मोदी जी के पास गए और कहा कि हम इन नीलामी की शर्तों के मुताबिक पैसा नहीं देंगे। तो टेलीकॉम मंत्रालय और भाजपा सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी, वित्त मंत्रालय की और संचार मंत्रालय की, और 2G केस को रफा दफा करते हुए, कूड़ेदान में फेंकते हुए, और निविदा की यानी नीलामी की सब शर्तों को दरकिनार करते हुए इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने निर्णय किया कि हां, अब ये कंपनियां 13 साल में नहीं, 19 साल के बाद, 13 और 6 19 साल के बाद पेमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, ये जाता है मामला फिर संचार मंत्रालय को, वो भी अपनी मोहर लगा देते हैं, फिर ये जाता है टेलीकॉम कमीशन को, वहां से भी मोहर लग जाती, और अब इसका फाइनल अनुमोदन भारत के मंत्रिमंडल से हो जाएगा, वहां ये विचाराधीन है। अब तथ्य क्या है? तथ्य बड़े सीधे 3 है। यूनिलेटरली चेंजिंग द टर्म्स ऑफ ऑक्शन आफ्टर ऑक्शन हैज बीन कंप्लीटेड टू फेवर रिलायंस जियो, एयरटेल एंड आइडिया वॉयलेट्स द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2G ऑक्शन केस विच कंप्लीटली एंडेड डिस्क्रिशन इन अवार्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वंस फॉर ऑल। गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड द टर्म्स ऑफ ऑक्शन, एंड आई रिपीट, गवर्नमेंट हैज नो डिस्क्रिशन, नो अथॉरिटी टू अमेंड द टर्म्स ऑफ ऑक्शन टू ग्रांट बेनिफिट्स टू द 3 telcos, एज इट इज नाइदर लीगली नॉर कॉन्ट्रेक्चुअली परमिसिबल। पॉइंट नंबर 2,
extending the period of payment from 10 years to 16 years has a clear cost for public exchequer. That means the amount that would have been available for India's development, to quote the Prime Minister, would not be available. And even in terms of interest loss, since the tender itself says interest would be 9.3%, and that is, I'm supplying you that copy of the tender conditions, the loss to the exchequer would be 23,821 crore. Thirdly, BJP government's plea that telecom companies are under financial stress, that they are facing severe losses, and that's why they need to be given this benefit, is impermissible in law and is in violation of conditions of auction. In fact, Supreme Court, in case of Messrs. Adani Enterprises, as early as on 11th April 2017, looked at a similar condition. For Adani ji's companies, wanted an increase in price of electricity that they supply on the ground that the international price of coal has gone up. So valid ground, just like this. They are saying we are under financial stress. They were also saying we are under financial stress. International price has gone up. Court said no. When you bid with open arms and with full knowledge. And you cannot make people of India pay today because prices have gone up. Or you are under financial stress. Because if this argument of BJP is correct, that if anybody is under financial stress, they should not pay, then the entire trading community is under financial stress, GST should be deferred. Somebody cannot pay income tax, he will go to Government of India and say, oh, I am under financial stress, please defer my income tax liability by 6 years. It is impermissible, it is illegal, it is immoral, it is unconstitutional. And lastly, what BJP government deliberately ignored on account of a mischievous motive on their part was the fact that if these telecom companies had not paid back the money in 3 plus 10 years, then there would be 3 consequences for them as per the conditions of auction. 1, monthly penal interest. 2, their bank guarantee would be confiscated. And 3, it will lead to termination of spectrum. But Modi ji and his government overlooked this and extended the period. And last but not the least, before granting such massive relief on a presumed plea that the telcos are under financial stress, was any survey done? Was any study conducted by the government to see? Answer is no. Government also overlooked public interest, wherein it was categorically provided you only pay 32,000 crore upfront, rest you pay in 13 years with a 3-year moratorium and 10 annual installment. So we ask only 3 questions from this government. Whether it is a breach of public trust by BJP government and Prime Minister Modi ji, who in the past had made a notional loss calculated by CAG in telecom sector as a major issue of transparency and corruption. A second question, whether BJP government is acting as a willful collaborator with the select corporate entities in artfully dodging recovery of massive sums of money due to the public exchequer, instead of acting as a trustee of public interest. And third, who benefits from this new governance model of Modi ji? Is it not a fact that in the interest alone, the loss to exchequer is 23,821 crore calculated only as per 9.3% interest
provided for in the terms of auction. Any questions, you're welcome to ask. ये सवाल केवल एक टेलीकॉम मिनिस्टर तक सीमित नहीं, इस मामले का निर्णय भी अकेले टेलीकॉम मिनिस्टर नहीं कर सकते थे, इसमें पूरी सरकार शामिल है, नहीं तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जैसा मैंने बताया, वित्त मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय दोनों की एक कमेटी बनाई जाती है अधिकारियों की, और वहां से ये रिकमेंडेशन ली जाती है, वहां से निर्णय लिया जाता है, और फिर इस पर सभी मंत्रालय अपनी मोहर लगाते जाते हैं बगैर कोई सवाल पूछे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको यह पैसा 16 साल में लेना था तो आपको यह नीलामी की शर्तों में लिखना चाहिए था। अगर यही पैसा 16 साल में आप लेते तो यह पैसा जो ऑक्शन का आपको आया लगभग 65,790 करोड़, ये राशि 1,00,000 करोड़ हो जाती। अगर आपको पैसा 16, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मनी, इफ आई हैव टू पे बैक इन 10 ईयर्स, देन आई विल बाय एट ए स्लाइटली चीपर रेट। इफ आई नो आई हैव टू पे बैक इन 16 ईयर्स, एक्चुअली 19 ईयर्स, बिकॉज देर इज ए 3 ईयर मॉरिटोरियम, द मनी रिसीव्ड बाय एक्सचेकर वुड हैव बीन हायर, and that's why there is a cost to the exchequer. So इसमें वित्त मंत्रालय और टेलीकॉम मंत्रालय दोनों जवाब दे हैं, और ये नहीं हो सकता बगैर शीर्षतम स्तर पर कोई ना कोई राजनीतिक डायरेक्शन के, वो क्या है इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहेंगे। Absolutely. Will Congress be ready to go as a party along with other agreed parties to the Supreme Court, or you are only going to take it politically and make the shusha about it? You raise a relevant point, and let me say it is for the first time that we are placing these facts in public domain. This is day one. We have put this in a particular perspective after studying the conditionalities of auction as also the recovery of monies. We would like Prime Minister first to answer to People's Court, and we will keep all other political and legal options open. Supreme Court mein jo Center for Public Policy versus Union of India, jise aap 2G case kehte hain, unhone spasht taur se kaha tha ki sarkari sansadhan jab bhi aap unko aabantit karenge to wo puri tarah se paradarshi ho, nishpaksh ho, aur is prakar se ho ki janhit ko ya janata ko ya sarkari khazane ko ek rupaye ka nuksan bhi na pahunche, aur sarkar अपनी कोई डिस्क्रिशन सरकारी संसाधनों को बांटने में इस्तेमाल नहीं कर सकती। यहां उसके विपरीत हो रहा है, आपने नीलामी की शर्तें थी, नीलामी की शर्तों को अब आप दरकिनार कर रहे हैं, उन्हें कूड़ेदान के अंदर डालकर नए सिरे से नीलामी के बाद, स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के बाद नीलामी की शर्तों को नए सिरे से लिख रहे हैं। अगर आप ये पहले दिन 16 वर्ष का पीरियड लिख देते तो हमारा ये मानना है कि ये राशि 90,000 करोड़ थी जो सरकार को आती, बजाय 65 या 68 या 70,000 करोड़ के, तो सीधा सीधा नुकसान उससे भी हुआ। और अगर आप 6 साल का ब्याज भी लगाएं नीलामी की शर्तों के मुताबिक, वो भी 9.3% है, तो भी 24,000 करोड़ यानी 23,821 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके लिए कौन जवाब दे? Thank you. जी दादा, स्पेक्ट्रम के अलावा एनी अदर क्वेश्चन ऑन स्पेक्ट्रम? एज आई पॉइंटेड आउट टू यू, इट हैज गॉन थ्रू ऑल द लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इज फाइनली रेस्टिंग विद द यूनियन कैबिनेट। दैट्स वाई बिफोर ए फाइनल लॉस इज कॉस्ट टू पब्लिक एक्सचेकर एंड द मैटर इज आउट ऑफ हैंड, वी हैव प्लेस्ड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट इन पब्लिक डोमेन। Already ruled on such issues that post spectrum they can't
That's why I quoted. In case of Mr. Adani, he went to Supreme Court because relief was granted to him by government and its agencies of additional price of electricity. Interestingly, government did not even appeal to Supreme Court. An NGO called Prayas, an electricity watchdog, two NGOs go to Supreme Court and say, government and Mr. Adani are in cahoots with each other. They are trying to dupe the public exchequer by charging more money for electricity on the ground that the international coal prices have gone up. The argument looked very attractive there also. Oh, I'm in financial stress because international price of coal has gone up. What the Supreme Court said, there are two very interesting lines, and let me read them for you actually. The Supreme Court said it is clear that an unexpected rise in the price of coal will not absolve the generating companies from performing their part of the contract for the very good reason that when they submitted their bids, this was a risk they knowingly took. तो उन्होंने कहा आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक रेट भरा है तो आज आप उस रेट से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते. मैं शुक्रगुजार हूं कि हमने आज सुबह ये मामला उठाया भी था. मोदी सरकार में किसान का शोषण, किसान का अपमान और उसके स्वाभिमान पर प्रहार आए दिन की रोजमर्रा की बात हो गई है. कभी मंदसौर, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र और कभी भाजपा शासित अन्य प्रदेशों में किसान को आत्महत्या की ड्योढ़ी तक पहुंचाने का श्रेय मोदी जी और उनकी पार्टी को है. जिस निर्मम तरीके से मंदसौर में किसानों की हत्या की गई, आज तक उनके दोषियों को सजा नहीं मिली. शिवराज सिंह चौहान जी उनको संरक्षण दे रहे हैं. और अब टीकमगढ़ में जिस प्रकार से रोजी रोटी की बहाली की मांग करने वाले किसानों को दौड़ा दौड़ाकर पुलिस की लाठियों से बेरहमी से पीटा गया और फिर उन्हें निर्वस्त्र कर, उन्हें नंगा कर पुलिस थाने के अंदर उन्हें यातनाएं दी गई, ये आजाद हिंदुस्तान को शर्मसार करता है. हम मांग करते हैं कि टीकमगढ़ पर जघन्य अपराध जो किसानों के साथ हुआ है उसकी न्यायिक जांच हो और शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि ये सब पुलिस द्वारा अकेले नहीं हो रहा, ये राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं. मुझे लगता है कि ये मैं आप लोगों के विवेक और खोजी पत्रकारिता पर छोड़ता हूं. शरद पवार जी इस देश के एक वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और हम उनका अपार सम्मान करते हैं. उनका सुझाव स्वीकार्य है. भारतीय जनता पार्टी वहां हार का मुंह देख रही है और ये अमित शाह जी और वहां की भाजपा की बौखलाहट से स्पष्ट है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये प्रयास करेगी कि हर वो दल और हर वो समूह और व्यक्ति जो सैद्धांतिक तौर से गुजरात के विकास का पक्षधर है और भाजपा के सैद्धांतिक तौर से विरुद्ध है, वो एक मंच पर आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे एक समूह के तौर पर प्रयत्न करें कि हम गुजरात को आजादी की एक नई लड़ाई लड़कर उनको गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलवाएं और एक नए गुजरात का गठन कर पाए. रिजर्व बैंक का जो ताजा आंकड़े आए हैं उसमें ग्रोथ रेट
आरबीआई के नए आंकड़े जो ये दिखाते हैं कि विकास दर फिर औंधे मुंह गिरी और महंगाई बढ़ी, ये जमीनी हकीकत को कहीं ना कहीं बयां करती है। जिस प्रकार से आए दिन पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी की मार से इस देश का जनमानस जूझ रहा है, इस देश का व्यवसायी, उद्यमी और दुकानदार उत्पीड़ित है, इस देश का किसान आंदोलित है, ये आए दिन समाचार की सुर्खियों से स्पष्ट है। 9.7% से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गिरकर 9.2 से 5.7% हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो एकदम धरातल तक आ चुका। 63 साल में क्रेडिट ग्रोथ सबसे कम पायदान पर है और अर्थव्यवस्था जूझ रही है भयंकर संकट से और सरकार सोई पड़ी है। मोदी जी मौन है, मोदी जी मौन मोदी बन गए हैं। इस सारे मामले को लेकर बार बार सरकार को भाजपा के नेता भी अब आगे बढ़कर आईना दिखा रहे हैं, पर सत्ता का अहंकार मोदी जी और जेटली जी के सर चढ़ बोल रहा है। सच यह है कि मोदी नॉमिक्स ने इस देश को फेल कर दिया है। I'll quickly answer his question and then I'll answer yours. The latest figures released by RBI prove what is known to the entire country. The disaster of demonetization and the mess in implementing GST has led to a financial emergency and decimation of our economy in a manner that is unprecedented. Be it the large number of unemployed youth, be it the distressed farmer, or be it the small shopkeepers and medium businesses which are facing virtual closure, is a story that gets repeated every day in front of us. GDP growth has gone down from 9.2 to 5.7%. Demonetization has caused a loss of over 3 lakh crore to our economy, contracting it by over 2%. And the truth remains that besides the Congress and opposition, now BJP leaders have also shown the mirror of truth which government refuses to see. The arrogance of Finance Minister and Prime Minister is unprecedented. Modinomics has failed India and India's economy. Time for them to wake up from their slumber. आपने प्रश्न पूछा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर। करोड़ों करोड़ों कांग्रेस जन और कांग्रेस के नेता अनेकों बार इस इच्छा को जाहिर कर चुके हैं सार्वजनिक तौर से कि कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी अब आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संपूर्ण तौर से संभाल लें। सबने ये भी इच्छा जाहिर की कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का सानिध्य और मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहे। चुनावी प्रक्रिया और संगठनात्मक चुनाव जारी हैं। हमें विश्वास है कि जब संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएंगे अगले लगभग एक माह में, तो आप ये प्रश्न फिर हमसे नहीं पूछेंगे। Those questions may be in your mind. However, I am obliged to answer that we are a democratic party with internal democracy. Let me remind you, as also all your viewers, that Congress party has never shied away from a democratic challenge inside the party. Indira ji
successfully fought that challenge. And actually it started long, long ago when Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose ji contested against each other. Let me remind you a page from history. Many, 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 many others. And be it Indiraji, be it Srimati Sonia Gandhi, many times party has seen unanimity and many times party has welcomed whenever there was a contest. Shri Rahul Gandhi is ready to take on the mantle. Shri Rahul Gandhi continues to remain the unquestioned choice of every Congress leader and worker for being the president of the party. Shri Rahul Gandhi is democratic enough and the party is resilient enough to welcome anybody to come and aspire for any post in the party, including the post of president. And I don't think so the Nehru Gandhi family or Mrs. Gandhi or Rahul ji have ever shied away from any such call ever. And the history is a witness to that fact. So Congress party prior to independence and post independence has seen many such contests. Congress party and leadership has always emerged stronger after this. Since this was a hypothetical question, I gave you a hypothetical answer. Thank you.